हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर ऑफ स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। और साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले जिसकी लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। इससे बेनिफिट होगा कि मैं जो यहाँ पे यूट्यूब में वीडियोज अपलोड करता हूँ वो प्री मार्केट होते हैं यानी एक दिन पहले होते हैं, और या फिर जो भी अपडेट्स मुझे देनी होते हैं वो सब मैं टेलीग्राम पे अपने देता हूँ लाइव मार्केट में। तो आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ऐसे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे जहाँ पे मैंने आज बाई द डिप का प्लान बताया था और कुछ स्टॉक्स की मुझे अगर डिपॉजिट दिखाई देते हैं मैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इसको जरूर ज्वाइन करें, इसकी लिंक आप सबको पता है, यहीं सिंपली टेलीग्राम पे जाकर सर्च करेंगे स्टॉकी इन्वेस्ट तो भी मिल जाएगा, या फिर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप उसको ज्वाइन जरूर करिए। आपके लिए मैं डेली बेसिस पर प्री मार्केट के वीडियोस अपलोड करता हूँ जिसमें हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और सेंसेक्स इन सब में किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है, इन सब की प्लानिंग करते हैं और डेटा और चार्ट ये दोनों चीज़ें मैं समझाता हूँ। और जिनको डेटा का अंडरस्टैंडिंग नहीं है वो यहाँ पे अगर देखेंगे एक आध महीने तक वीडियो तो अच्छे से उनको समझ में आ जाएगा। और आपको ये सब चीज़ें अगर अच्छी लगती हैं तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर कोई कन्फ्यूजन या फिर क्वेरी हो तो जरूर मुझे यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब आगे बढ़े, सबसे पहले कल के लिए क्या कर सकते हैं, बट उससे भी पहले देखते हैं कि आज के लिए जो हमने प्लानिंग करी थी उसमें क्या था। तो हमारी जो प्लानिंग थी वो डेफिनेटली ऐसी थी कि यहाँ से बाइंग का प्लान था, बट पहले ही कैंडल में यहाँ पे एक ब्रेच हो गया और मैंने आपको मना किया कि भाई बाई नहीं करना है। फिर मैंने आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी में मैंने बोला, यहाँ पे देखो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल यहाँ पे जो है कि इसने लेवल्स को तोड़ दिया है बाई लेवल को, तो हम यहाँ पे बाई अभी नहीं करेंगे, नीचे से रिवर्सल पे हम बाई करेंगे। तो नीचे से रिवर्सल अगर हम यहाँ पे निफ्टी में देखें तो निफ्टी में भी नीचे से रिवर्सल हुआ और बैंक निफ्टी में भी नीचे से रिवर्सल आपको दिखा है वो भी बहुत अच्छे से। और दोनों ही केस में आप देखिए बैंक निफ्टी का तो और खूबसूरत था, जिन्होंने यहाँ पे ट्रेड किया होगा उनको भी यहाँ पे लगभग प्रॉफिट मिला छोटा वाला, और यहाँ पे भी मिला तो ये भी उनको, अगर इन्होंने ये ट्रेड किया होगा तो ये भी उनको प्रॉफिट मिला होगा। अब कुछ लोगों के मन में ये समस्या हो सकती है, डाउट हो सकता है कि सर जी हम दो दो बार कैसे ट्रेड करेंगे। मान लो हमारा एक बार, तो देखो एक बार अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है इस वाले केस में, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा तो यहाँ पे आपको अगेन एंट्री मिली और इस केस में आपको टारगेट मिला, और आपने अगर प्रॉफिट बुक नहीं किया आज के दिन में तो आपकी एक गलती यह है कि आपने तुरंत एंट्री नहीं करी। एंट्री मीन्स की जब आपको अपॉर्चुनिटी मिली तो आपने एक बार एंट्री करी लेकिन उसमें स्टॉप लॉस हो गया तो दोबारा एंट्री नहीं करी। देखो मार्केट है, मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है, स्टॉप लॉस खाता रहता है, आपको जितनी एंट्रीज मिले उतनी एंट्रीज करनी चाहिए, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि आपको टारगेट अपना बड़ा रखना चाहिए। तीसरा पॉइंट है रिस्क टू रिवॉर्ड, यानी एक बार जब आप ट्रेड कर रहे हो तो एक ही बार में उतनी क्वांटिटी मत लो कि आपका एक बार में लॉस हो जाए तो आप दोबारा ट्रेड कर ही ना सको। हल्की क्वांटिटी में ट्रेड करो और हर एक अपॉर्चुनिटी पर ट्रेड करो, यही मार्केट में सही ट्रेड करने का तरीका है, और ये आज का नॉलेज था। सो हमारी प्लानिंग बहुत परफेक्ट गई, और इसमें मैंने आपको क्लियर कट कहा था कि ये सब जो गैप्स है ना ये सब कहीं कहीं से बाउंस बैक हो जाएगा, तो सिंपली बाई द डिप का ही प्लान रखेंगे क्योंकि डेटा हमारा बुलिश था। सो अब हम चलते हैं टोटल देख लेते हैं कल के लिए क्या हो सकता है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में हमारी जो प्लानिंग थी वो बहुत ही परफेक्ट चली और लेवल्स नहीं मैच हुए, बट जो मैंने आपको यहाँ पे अपडेट करी उसके हिसाब से काफी अच्छा गया। दोनों के बाद मैंने आपको यहाँ पे अपडेट करवा दिया और उसके बाद फिर बैंक निफ्टी ब्लास्ट भी हो गई। सो अब आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो सिंपली कल के लिए अगर मैं निफ्टी का डेटा देखूं तो हमारे पास निफ्टी का जो चार्ट है वो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। दोनों साइड पुट और कॉल के ओआई हाई है, दैट मीन्स मार्केट साइडवेज और वोलेटाइल रहने की संभावना है। सपोर्ट हमारे पास 19,400 का है और रेजिस्टेंस भी वहीं पे है, तो इसका मतलब है कल निफ्टी हमारी साइडवेज रहने की उम्मीद है। और अगर 400 के नीचे ओपन होती है तो उसमें हमें पुट के वाई को देखना है, अगर वो घट जाता है और कॉल का वाई इंक्रीज हो जाता है तो समझो थोड़ा बहुत नीचे जाने की संभावना है। और अगर 400 के ऊपर ओपन होती है उस केस में हम पुट के वाई को देखेंगे, अगर वो इंक्रीज हो जाता है और कॉल का वाई थोड़ा बहुत डिक्रीज हो जाता है तो इस केस में ऊपर जाने की संभावना है, लेकिन 500 का भी अगर पुट वाई बढ़ जाए तो और ज्यादा मजा आ जाएगा। तो ये सिंपली हमारी प्लानिंग है। अब निफ्टी में अगर मैं देखूँ तो प्राइस सेक्शन देखो, ओवरऑल मैं आपको डेली वाला याद दिला दूँ, अभी भी इसको मत भूलना वरना फिर आप बोलोगे सर जी नुकसान हो गया। ये अभी भी एक हमारा रेजिस्टेंस है सेलिंग का जो कि है 19,550, तो 550 तक तो हम खेलो इंडिया खेलो कर सकते हैं, लेकिन 550 पे एक बार हमें सोचना पड़ेगा कि फर्दर हमें बुलिश होना है कि नहीं। और मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था अपने 4 घंटे वाला टाइम फ्रेम में, पुराने जो वीकली एनालिसिस में अपलोड करता हूँ यहाँ पे क्लियर कट आपको बताया था कि अगर यहाँ पे आ जाए मार्केट तो आपको बाई ही करना है, छोड़ना नहीं है। और आई थिंक वीकली में था, वीकली में है, एक मिनट, ये देखिए ये आपको लेवल्स मैंने दिए थे, ये मैंने क्लियर कट कहा था कि अगर यहाँ पे आ जाएगा तो आपको बाई करना है। आया भी, आपने बाई किया भी नहीं किया ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने पहले भी अपडेट करी थी जब मार्केट यहाँ पे था, उसके बाद इस दिन भी मैंने आपको अपडेट करी हुई है क्योंकि मैंने अपने खुद के फोलियो में म्यूचुअल फंड्स को एवरेज किया हुआ था। तो देखिये यहाँ पे टाइमली एंट्री और इतनी परफेक्ट एंट्री शायद ही कहीं मिले आपको, जो कि आपका पूरा एक
मेंटरशिप, गाइडेंस और ये सब मिलती रहती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप जरूर इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर कोई कन्फ्यूजन या फिर क्वेरी हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सिंपली आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हो तो भी आप जुड़ सकते हो, आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ। देन उसके बाद हम चलते हैं कल वाली सीरीज पे कि हम कल क्या कर सकते हैं। हर महीने मेरी नई बैचेज चलती रहती हैं और नेक्स्ट बैच जो है वो 30 नवंबर से चालू होगी। वैसे तो 20 तारीख से चालू होती है, बट ये नवंबर वाली सीरीज दीपावली होने की वजह से मैं थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है। सो 30 नवंबर से चालू होगी। आप अगर मुझसे सीखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी क्लासेस, ये सब आपको सीखने को मिलेगा। एक बार इस वीडियो को जरूर पॉज करके पढ़ ले, और मैंने इसके ऊपर एक पूरा डिटेल वीडियो बना रखा है। सिंपली जो आपके बेनिफिट्स हैं वो सब आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, पॉज कर लीजिएगा। एंड देन उसके बाद 5,000 रुपये की फीस है, 9:30 से 10:30 बजे तक क्लास चलेगी, जूम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन क्लास चलेगी। बहुत ही नॉमिनल फीस है, काफ़ी कुछ लर्निंग मिलती है, लंबी क्लासेस चलती हैं 20 से 25 दिन की, काफ़ी कुछ मैं सिखाता हूँ, तो आप जरूर इसको ज्वाइन करिएगा। और इसके बारे में पूरा आपको डिटेल अगर चाहिए तो मैंने एक वीडियो बना रखा है स्पेशली मेरे चैनल के होम पेज पर। अगर आएंगे तो यहाँ पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा, ये वीडियो आप देख लीजिए, इसमें पूरी डिटेल है क्लास के बारे में। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो जाए तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा और आपको समझा दिया जाएगा, देन आप ज्वाइन करिए। सो अब चलते हैं क्लियर कट। चार्ट हमने देखा, चार्ट में हमें डेटा हमने देखा। सिंपली डेटा बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है क्योंकि दोनों ही साइड ओआई का बिल्टअप बहुत हाई है। अब इसमें रेंज क्या निकल के आ सकती है, तो हमें छोटी रेंज में प्ले करना होगा, ये पहला पॉइंट है। यानी कि हम बहुत बड़ी मार्केट में मोमेंट को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, हमें छोटी छोटी रेंज में प्ले करना होगा। तो इसमें समझो सीधी सी बात, कल यहाँ पे हमारा बाइंग का लेवल होगा 1, जो कि शुरू हो रहा है 19,390 से लेकर के 19,380 तक। ओके, यहाँ पे हम बाइंग करेंगे, स्टॉप लॉस जो होगा वो 370 का हो जाएगा, पहला टारगेट 425 और 500 का हो जाएगा, ये बात याद रखिए, दूसरा टारगेट। ये पहला प्लानिंग है, अगर फ्लैट खुल करके यहाँ पे आए तो बाइंग के रिवर्सल पे हम बाई करेंगे, ये बात अच्छे से याद रखिए। अब सिंपली आगे देखते हैं आगे क्या हो सकता है। ऊपर जाने के बाद अगर लेट से 550 आ गया, 550 से रिवर्सल हो जाए, डबल बॉटम सॉरी डबल टॉप का पैटर्न है तो वहां पे शॉर्ट करना, ये भी याद रखो। तो ऊपर से सेल और नीचे से बाई, अभी फिलहाल यही चलना है और इसी तरीके से खेल करेंगे। इसके अलावा अगर मुझे कुछ दिखेगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करता ही हूँ, आप इसको जरूर ज्वाइन करके रखें। अब बैंक निफ्टी के बारे में बताऊँ तो क्लियर कट यहाँ पे याद रखिए, बैंक निफ्टी में जो डेटा बन रहा है इसमें पुट का वही ज्यादा है, इसका मतलब बैंक निफ्टी निफ्टी के कंपैरिजन में ज्यादा बुलिश है। सपोर्ट जो है हमारे पास है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 43,600 का, और 43,600 के आसपास अगर आपको बैंक निफ्टी मिल जाए तो एक बार जरूर वहां से बाई करने का प्रयास करिएगा। आपको ओपनिंग देखनी है 46,700 की, अगर 700 के ऊपर ओपन होती है बैंक निफ्टी उस केस में आपका पुट का वाई देखना है, अगर इंक्रीज हो गया 700 और 800 में तो समझो बैंक निफ्टी ऊपर चली जाएगी, और अगर 700 के नीचे ओपन हो गया और उस केस में कॉल का वाई इंक्रीज हो गया तो आपको ये ध्यान देना है कि नीचे आ सकती है। फिर उसके बाद आपको 600 के सपोर्ट पे बाई करने का प्लान करना है। अगर मैं आपको चार्ट दिखाना चाहूँ तो आज क्लियर कट शॉर्ट कवरिंग का केस था और बहुत ही परफेक्ट इसमें प्लानिंग गई और काफी इसमें अच्छा मोमेंट मिला। ओके, और अब हम देखते हैं कल क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली ये सब पूरा एक एरिया ऑफ सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक रजिस्टेंस था, यहाँ पे भी रजिस्टेंस था, इसी एरिया में आने के बाद इसमें ब्रेकआउट होगा, तो ये पूरा एरिया ऑफ सपोर्ट है। सो जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक फर्दर डाउनफॉल नहीं आएगी, और जब डाउनफॉल आएगी तो 43,290 तक चली जाएगी, ये बात आप याद रखिए। तो जब तक ये एरिया डिफेंड करेगा तब तक बैंक निफ्टी इसके ऊपर बुलिश है। ओके, तो हमें सिंपली इसी एरिया में से कहीं पे भी बाइंग के रिवर्सल पे हमें बाई करना है, और टारगेट हमारा 43,800 का और 900 का हो जाएगा। 44,000 का जो रेजिस्टेंस होगा वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, तो एक बार वहां पे प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, और वहां से अगर सेलिंग के पॉजिटिव मिली तो सेल करने का भी प्लान करिएगा। तो सिंपली आपको करना क्या है, 44,000 के पास अगर आपको सेलिंग का कोई भी पैटर्न बने तो आप शॉर्ट करिएगा, वहां पे आपको एक प्रॉफिट बुकिंग मिल सकती है, मेरी ऐसी उम्मीद है। और कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो आप अगर हीरो जीरो प्ले करना चाहें तो आप हीरो जीरो भी प्ले कर सकते हैं। तो सिंपली नीचे से हीरो जीरो कॉल में और ऊपर से हीरो जीरो पुट में आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन क्वांटिटीज बहुत कम रखिएगा, बहुत ही नॉमिनल रखिएगा। और मैं अपने लाइव मार्केट में कुछ अगर मुझे दिखेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो फिलहाल ये बैंक निफ्टी के प्लान लेके चलिए। देखिए मैं मल्टीपल प्लान नहीं बता रहा हूँ क्योंकि दो ही प्लान इसमें बन रहे हैं अच्छे से, और उसी हिसाब से आपका ट्रेड बन जाएगा, ये भी याद रखिए। ओके, जब मल्टीपल ट्रेड बनते हैं तब मैं आपको शेयर करता हूँ, बट जब नहीं बन रहे तो मैं आपको शेयर नहीं भी कर सकता, ये भी याद रखिए। फिर निफ्टी में भी सेम चीज है, आपका बुलिश है यहाँ पे डेटा, और 19,500 का स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है और इसमें 19,600 का रेजिस्टेंस है, तो इसमें टग ऑफ वॉर चल रही है दोनों साइड। सिंपली आगे चल के फिन निफ्टी अगर जाएगी भी ऊपर तो एक बार रेजिस्टेंस जरूर फेस करेगी, और अगर उसका कॉल का अनवाइंडिंग हुआ तभी ऊपर जाएगी, ये बात याद रखिएगा। इसको मैं थोड़ा आपको यहाँ पे 4 घंटे के चार्ट में देख लूँ। ओके,
600 का एक रेजिस्टेंस है, 600 का हर्डल अगर क्रॉस कर जाएगी तो फिर ये फिर निफ्टी 740 और उसके बाद देन 900 तक चली जाएगी। तो एक 600 का हर्डल अगर इसके ऊपर निकल करके क्लोज होती है एंड देन ब्रेकआउट होता है तो वो काफी लंबे मूवमेंट मिलेगा हमें, तो हमें वो 900 का तक का टारगेट देके जाएगा। ये बात अच्छे से याद रखिए, ये पोजिशनल भी जा सकता है बट चूंकि हम इंट्राडे में प्लान करने वाले हैं तो इसको समझ लेते हैं। और ये जो मैंने अभी आपको पोजिशनल बताया इसको याद रखिएगा, ये आपको काम आ सकता है। तो सिंपली यहाँ पे भी हम बाइंग का वही इरादा है हमारा इस एरिया में, जो कि सूर्य 19,530 से लेकर के 19,490 तक बाइंग के रिवर्सल पे हम बाई करेंगे। हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 580-590 का, दूसरा टारगेट 600 का। 600 पे एक बार बुक कर लीजिएगा, फिर इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट हो जाए अच्छा खासा डेटा हो तब कर सकते हो, अदरवाइज नहीं एक बार प्रॉफिट जरूर बुक करिएगा। इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन हुआ तो ही शॉर्ट करेंगे, तो हमारा पहला टारगेट सीधे सीधे हो जाएगा 404 का और दूसरा टारगेट हो जाएगा 360 का। लेकिन इसमें याद रखो अगर ये नीचे आए के बाद एक ही कैंडल इसको ब्रेक कर देती है तो रिवर्सल पे शॉर्ट करना है तो फिर हमारा टारगेट होगा। तो फिर निफ्टी में एक बार शॉर्ट भी कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट करना कोई दिक्कत नहीं है, बट बैंक निफ्टी की अभी हम शॉर्ट वाली प्लानिंग को अवॉइड करते हैं। नीचे से सेल हम करेंगे ऊपर से बैंक निफ्टी में, लेकिन फिन निफ्टी में हम यहाँ इस लेवल के ब्रेक होने पे शॉर्ट करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेंसेक्स की अगर मैं बात कर लूं तो सबसे पहले नए लोगों को मैं ये बता दूं कि अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो सेंसेक्स को देख करके और ट्रेडिंग व्यू में आप अगर चार्ट देखते हो तो आपको नहीं देखना चाहिए क्योंकि ये डिले है, आपको अपने ब्रोकर का प्लेटफॉर्म का चार्ट देखना चाहिए। सेंसेक्स में जो मुझे बाइंग रेंज दिखाई दे रही है वो है मेरे पास 64,900 से लेकर के 64,870-80-70। इसमें अगर आपको मिल जाए फ्लैट ओपन होकर के यहाँ पे आ जाए तो आपको बाइंग का रिवर्सल पे या फिर यहाँ पे आ भी जाए तो भी बाई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली आते ही बाई कर लो, इसमें आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 830 का हो जाएगा और पहला टारगेट आपका होगा 65,000 का, दूसरा टारगेट 65,100 का हो जाएगा। ये पहली प्लानिंग है सेंसेक्स में। और दूसरी सेंसेक्स में प्लानिंग क्या है, सेंसेक्स में देखिएगा आप यहाँ पे सिंपली अगर अगेन आपको यहाँ पे 64,790 हो सकता है नीचे थोड़ा सा गैप डाउन खुल जाए। देखो पहली बात तो मैं प्लानिंग बता देता हूँ, सेंसेक्स में थोड़ी सी प्लानिंग डिफरेंट होगी, फ्लैट खुल करके यहाँ पे आते यहाँ से रिवर्सल देती है तो बाई करेंगे, अच्छी बात है। लेकिन अगर इसमें स्टॉप लॉस हो गया तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे फिर से बाइंग का रिवर्सल देख करके बाई करेंगे, मतलब बाई द डिप का ही प्लान करेंगे 64,790 के पास से लेकर के 64,760 से हम बाइंग करेंगे। बाइंग के रिवर्सल पे इसमें जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 720 का, इसमें टारगेट सीधे सीधे फिर ये हो जाएगा 64,972 का और 65,000 का टारगेट हो जाएगा। तो नीचे थोड़ा हमें बाइंग करना है, इसको अच्छे से याद रखिए। ऊपर सेल कहाँ करेंगे, तो ऊपर जो हम सेल करेंगे उसको चलिए मैं देख लेता हूँ। ओके, 65,300 के ऊपर कहीं भी आपको सेलिंग का रिवर्सल दिखे तो आपको शॉर्ट करना है। अब सेलिंग का रिवर्सल क्या है, सेलिंग का रिवर्सल होता है कि आपकी ऊपर एक हैमर कैंडल बन जाएगी, उसके बाद बेरिश इंगल्फिंग कैंडल जैसे कि यहाँ पे एक बनी हुई है, ओके तो आपको या फिर डबल टॉप का पैटर्न भी बन सकता है तो आप शॉर्ट करेगा, या फिर हेड एंड शोल्डर भी बन सकता है तो भी आप शॉर्ट करेगा। तो ऐसे कोई भी सेलिंग के रिवर्सल पे आप शॉर्ट करोगे 65,300 के ऊपर अगर बनेगा तो, कि वहां से फिर टारगेट अच्छा बनेगा क्योंकि ऊपर एक अच्छा खासा रजिस्टेंस है। तो ये सेंसेक्स की प्लानिंग थी। और अब मैं आपको छोटा सा अगर ज्ञान देना चाहूँ तो देखो जब आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो निफ्टी, अब मैंने ये बेसिकली ज्ञान वाली सीरीज शुरू करी है नई, तो हर दिन जो मैं ब्रेकआउट जो आपको प्री मार्केट के वीडियोस अपलोड करता हूं उसमें लेवल्स तो मैं देता ही हूं, बट एक दिन एक छोटा सा हर दिन एक ज्ञान भी देता हूं और इसको मैं शुरू कर रहा हूं। सो सिंपली देखो आप क्या करो, 30 मिनट के चार्ट जरूर देखो, 30 मिनट के चार्ट जरूर देखो, और जब तक निफ्टी अपना 30 मिनट का स्विंग लो नहीं ब्रेक करती है तब तक आप उसी डायरेक्शन में ज्यादातर ट्रेड लेने का प्लान करो, यानी कि आपका जो व्यू है उसी हिसाब से रहना चाहिए। इसको कहते हैं ट्रेंड को फॉलो करना। अगर आप सिंपली 30 मिनट का चार्ट देखें निफ्टी का और आपका स्विंग लो जब तक ना टूटे तब तक आप ये समझिए कि जो निफ्टी है आपकी वो अगर बुलिश है तो बुलिश ही रहेगी, बेरिश है तो बेरिश ही रहेगी, ये बात अच्छे से याद रखिए। एक बार अगर ये स्विंग लो ब्रेक हो जाए तो फिर आप आगे का प्लान कुछ कर सकते हो, उसके अपोजिट सोच सकते हो। सिंपली यहाँ पे देखिए जब तक स्विंग लो नहीं टूटता तब तक कुछ नहीं होता। यहाँ पे देखिए ये लो था, ये स्विंग हाई था, यहाँ पे स्विंग हाई हम यहाँ पे कहेंगे, फिर ये स्विंग हाई था, यहाँ पे स्विंग हाई था, यहाँ पे ब्रेक हो गया, फिर यहाँ पे स्विंग लो बनना शुरू हो गया, स्विंग लो नहीं ब्रेक हुआ, देखिए कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। तो आप अगर स्विंग लो के हिसाब से करेंगे तो आपको उसी हिसाब से ट्रेंड फॉलो करने में दिक्कत नहीं आएगी। ये बेसिकली नए लोगों के लिए है, जो लोग नए हैं उनको बता दूं ट्रेंड फॉलो करो, निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी इन सब में ट्रेंड फॉलो करोगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब बोलो सर जी ट्रेंड फॉलो करने का मतलब क्या होता है,
ट्रेंड फॉलो करने का मतलब ये होता है कि जो भी ट्रेड होंगे ज्यादातर ट्रेंड के साथ होंगे, यानी कि जब भी नीचे मिलेगा तो बाई करना है, बाई द डिप। और इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया था बाई द डिप, जो कि आज बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुल रहा, आपने लाइव एग्जाम्पल भी देखा हुआ है। तो ये नॉलेज जो मैं दूंगा आप इसको जरूर ज्वाइन करिए, मतलब समझिए। मुझसे और ज्यादा सीखना चाहते हैं तो क्लासेस ज्वाइन करिए, आपका वेलकम है। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।